कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा रोहड़ी स्टेशन के करीब पेश आया। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, इमदादी टीमें बहाली के ऑपरेशन में मसरूफ। ग्रीन लाइन, खैबर मेल और फरीद एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशंस पर रोक दिया गया। लकी मरवत के इलाके समंदर तितर खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार हिकमतुल्लाह शहीद, हमलावर एहलकार बंदूक भी साथ ले गए। डेरा गाजी खान में CTD का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 फरार। 10 बम, 2 राइफल्स, गोलियां, बारूदी मवाद बरामद। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की राह हमवार। IMF की जानब से 25 सितंबर को मंजूरी का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम शामिल। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूली कुजैक ने खुशखबरी सुना दी। वजीर खजाना की जानब से खैर मकदम। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए हैं। और अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने के इल्जाम में 5 चीनी कंपनियों और एक शख्स पर पाबंदी लगा दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की तस्दीक, दावा किया बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शाहीन 3 और अबाबील सिस्टम्स और मुमकिन तौर पर बड़े निज़ाम के लिए रॉकेट मोटर्स टेस्टिंग के लिए काम किया। अमरीका ममनू हथियारों के फैलाव के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा।